समाप्त हो रहे हैं। मैं उनकी पार्टी ने महाराष्ट्र का प्रभारी विधानसभा प्रभारी बनाकर पहुँचाया है और मुझे आदेश है कि यहाँ पे अधिक से अधिक सीटें लगाने का काम करें। जैसे 35 जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि 35 सीटों का हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं और जो भी सीटें जो बच रही हैं इधर उन सीटों पर भी हमारा पूरा फोकस रहेगा, उस पर भी प्रत्याशी बनाने का काम करें। कांग्रेस भाजपा शिवसेना के खिलाफ वहाँ प्रत्याशी रहेगा और जो रिजर्वेशन सीटें हैं उसमें तो हम संपूर्ण रूप से आदिवासी रिजर्व सीटों पर हम लड़ेंगे। तीन मुद्दों को लेकर चुनाव के जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी मजदूर और किसान और खास करके जो बेसिकली हमारी पार्टी का नाम भी राष्ट्रीय गुणवान पार्टी है, जो ट्राइबल आदिवासी उनको कितना ज़्यादा पिछले 75 सालों में कांग्रेस ने और बीजेपी ने उन्होंने कितना पीड़ित करके रखा है। जैसे गढ़चिरौली जिले में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे 13 साल की 14 साल की लड़की के हाथ में बंदूक है और वो नक्सल मूवमेंट में काम करती है, उसको वहाँ पे इंक्वाइंटर भी किया जाता है, इसका करोड़ों का रिवॉर्ड मिलता है हमारे पुलिस भाइयों को या जो वहाँ पे एक पैरामिलिट्री फोर्स जो होती है अजीब। तो हमारा सवाल ये है कि ऐसा क्यों कि पूरे विश्व में ऐसी स्थितियाँ नहीं नजर आती और जहाँ आज हम देवी के तौर पर पूछते हैं महिलाओं को और औरतों को तो 14 साल की लड़की जिसको टेंथ के बाद में कौन सा सब्जेक्ट लेना ही नहीं मालूम है वो ऐसे कैसे नक्सल मूवमेंट से जुड़ जाती है। सरकार आखिर कर क्या रही है इतनी 75 साल में इस तरह की दिशा और दिशा उन्होंने बना के रखी है। सुरजा अगर आप देखेंगे जाएंगे वहाँ पर तो हाईकोर्ट यहाँ पे बार बार बोल चुका है कि ईडी का परमिशन नहीं है बंद करो, तो अभी भी वो कैसे एकदम मैंने एक डेवलपमेंट के नाम पर किस तरह से है उसको दमन करके आदिवासी का दमन करके और विरोध वहाँ के लोकल विरोध के बावजूद चालू रखा जाता है। ऐसी परिस्थिति है गोंदिया और हर जगह मैं एक ट्राइबल हूँ, मैं खुद एक आदिवासी हूँ और अगर मैं यह बात अगर पॉलिटिकल पार्टी के तरफ से नहीं रखूँगा और किसी सामाजिक संगठन के तौर पर रखूँगा तो मुझे वहाँ पर नक्सल समर्थक बनाकर डिटेन किया जाता है। हमारे बहुत से लोग हैं जो वहाँ जाते हैं जो वहाँ पर इस तरह के आंदोलन को अगर खड़ा करना चाहे तो वहाँ पर जो फोर्सेस हैं वहाँ पे जो पुलिस प्रशासन हो चाहे कलेक्टर हो सभी के सभी उस चीज़ को एक दबाव में रखते हैं कि किसी भी तरह का विरोध वहाँ पर खड़ा ना हो सके। महाराष्ट्र के अंदर कुल कितनी सीटें लड़ाएंगे आप? हम विदर्भ में लड़ाएंगे 35 सीटें, विदर्भ में 35। हाँ तीन राज्यों में अभी छत्तीसगढ़ में लड़ चुके हैं, मध्य प्रदेश में लड़ चुके हैं। महाराष्ट्र के किन किन भागों में आपके पास अटैची है? आप 8 जिले देख रहे हैं, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, उसके बाद में गढ़चिरौली, चंद्रपुर, यवतमाल, वर्धा, अमरावती, ये जो रीजन है जहाँ पर हमें ट्राइबल की जनसंख्या 3 करोड़ के करीब करीब दिखाई देती है। आज के वक्त 19 करोड़ के करीब पूरी जनसंख्या हमारी विदर्भ की आती है, 3 करोड़ के ऊपर की जो जनसंख्या है वो आदिवासी होती है। हम वेट में और वहाँ जरा ज़्यादा असर रखना चाहेंगे। क्या किसी पार्टी से आप गठबंधन करना चाहोगे? किसी पार्टी से गठबंधन नहीं, हम सुंदर रूप से जा रहे हैं इसलिए कि हम हमारे इलेक्शन के बाद में भी हम हमारे जो मुद्दे हैं वो राजनीतिक तौर पर लोकतांत्रिक तौर पर रख सकते हैं। विदर्भ के अंदर आपकी कितनी सीटें आने की उम्मीद है? विदर्भ के अंदर कुछ 8 सीटें जैसे कुछ लीजिए आदमी हो गया है, हमारा आई हो गया है और इधर गढ़चिरौली प्रॉपर और ये देवड़ी जो है यहाँ पर जो ग्राम सभा है हमारे सामने ग्राम सभा का जो कल्चर है पूरा ग्राम सभा है हमारे सामने, तो हम वहाँ पर कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे सीटों से वहाँ पर शेतकरी वर्ग के लिए क्या सोचा है आपने, क्या करना चाहोगे उनके लिए? शेतकरी वर्ग किसान वर्ग ऐसा है, ऐसा हो गया है कि सारा का सारा जो इस तरह से कंपनी होती है मैन्युफैक्चर अगर कोई कंपनी है तो वो हमेशा प्रॉफिट पे देखेगी, मगर किसान जो है यहाँ उसके जो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग जो उसका जो प्रोडक्ट है उसको किस तरह से काफ़ी यानी जैसे 10 रुपये का अगर उसका माल है तो उसको 2 रुपये में कैसे खड़ा किया जाए यह अभी तक के कारपोरेट की नीति रही है। तो हमें देखेंगे कि अगर किसानों का अगर आपको किसानों के बारे में अगर आपको कुछ करने या आगे बढ़ने का मिले तो हम उनको इसको पानी और जो उसकी बिक्री है वो माफ हो जाए सबसे पहले, तो इससे उतरा रहता है और बाकी की जो चीज़ें हैं
जैसे किसानों के हित में जो भी किया जा सकता है, जैसे भी सदर को सरकार का कोई कानून जो आता है, जो आया था ना केंद्र सरकार का, उसका हम विरोध में है और हम उसके विरोध में जाएंगे। परिचय करा दो आपका सबका। जी मेरा नाम राकेश राजू प्रदेश का राकेश भड़ावी फिर से बताओ। जी मेरा नाम राकेश राजू भड़ावी है, मैं राष्ट्रीय मुड़ना पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये हमारे साथ में प्रवीण सुरेश जी है, यह प्रभारी है महाराष्ट्र के, उधर हमारे मुर्गे जी है जो मुर्गे जी है विधानसभा, हाँ ये प्रत्यक्ष इनके वहाँ से शुरू, ये हमारे भैया आकाश जी और हमारे भैया मुकेश परस्तो ने आशीष चौधरी जी। Yeah.